हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में क्लास नंबर 9 है। पिछली क्लास में अपने किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ा था, किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ है जो आपका जर्मन के वैज्ञानिक थे किरचॉफ नामक, उसने क्या दो नियम प्रतिपादन किए थे। एक तो आपका पॉन्ट लॉ, एक करंट लॉ। यानी जो पॉन्ट लॉ होता है उसे करंट नियम यानी धारा का नियम कहते हैं, है ना, धारा का नियम। और इसको वोल्टेज का नियम बोलते हैं, ठीक है ना। दो नियम बताए थे किरचॉफ ने, ठीक है ना। ये दोनों नियम है ना जो एक बंद डीसी परिपथ में लगते हैं, तो ठीक है ना। तो अपन दोनों नियम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला पॉइंट आपका पॉइंट लॉ, पॉइंट लॉ इसी को बोलते हैं अपन करंट लॉ, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा, इसी को अपन केसीएल के नाम से जाना चलता है। इस नियम को केसीएल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इस नियम को अपन केसीएल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार बंद डीसी परिपथ में जंक्शन पॉइंट पर आने वाली धाराओं और आने वाली धाराओं और जंक्शन पॉइंट से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य के बराबर होता है, ठीक है ना। इस नियम में क्या कहता है, केवीएल ने क्या कहा था, केवीएल के नियम में किसी बंद डीसी परिपथ में जंक्शन पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग और जंक्शन पॉइंट से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो इसमें हो जाता है सिग्मा आई बराबर इक्वल टू जीरो, ये नियम होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इसी वजह से अपन ये जंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर ये धाराएं बना लेते हैं, ठीक है ना। ये धाराएं होती है, ये धाराओं का यूज कर लेते हैं अपन, ये धारा, ठीक है। ये आपकी छह धाराएं होगी, ये हो गया आपका जंक्शन, हो गया ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा आपका जंक्शन पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या जंक्शन पॉइंट हो गया। अब इसमें धारा है आपकी, जो ये हो जाएगी आपकी I1, I2 या आपकी जैसे I1 मान लो, और जैसे I1 और ये आपकी I2 और ये आपकी तीसरी धारा क्या हो रही है आपकी, ये अंदर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है धारा। तो इसको I3 मान लो, और जो बाहर की तरफ आ रही है, जैसे आपकी ये तो अंदर जा रही है, बाहर की तरफ हो गई और ये अंदर हो गई और ये बाहर हो गई, ये अंदर हो गई। तो ये आपका I4, ये आपका I5 और ये I6। तो आपकी जो संधि जंक्शन पर है ना, संधि जंक्शन पर क्या हो रही है, अपने
आने वाली धारा, संधि जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग। तो आपके कौन कौन सी आ रही है, देखो संधि जंक्शन पे एक तो आपकी आई थ्री आ रही है, ठीक है ना, आई थ्री आ रही है। तो आई थ्री प्लस एक कौन सी आ रही है आपकी आई फाइव, आई फाइव आ रही है आपके, ये भी तो होगी ना आपके आई फाइव ये होगी, और आई फाइव आई सिक्स ये होगी, और आई सेवन ये हो जाएगी भाई। एक दो तीन चार पाँच छः सात धाराएँ हैं ना। तो आपकी जो संधि जंक्शन से कितनी धाराएँ जा रही है, तो एक तो आपकी अंदर कौन सी आ रही है आई थ्री आ रही है, और एक आई फाइव आ रही है, ठीक है ना, ये आ रही है। प्लस आपकी जा कौन कौन सी रही है संधि जंक्शन से, कौन कौन सी जा रही है, एक तो जा रही है आपकी आई टू जा रही है, ठीक है ना, आई टू जा रही है, आई वन भी जा रही है, तो माइनस आई वन प्लस माइनस आई टू प्लस आपका माइनस आई फोर, ठीक है ना, और एक और माइनस आई सिक्स, माइनस आई सिक्स ये हो जाएगा आपका आई सिक्स, प्लस आपका कौन सा हो जाएगा आई सेवन। ये तीन धारा है, ये आपकी किसमें हो जाएगी बराबर आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आई थ्री प्लस आई फाइव प्लस, प्लस का चिन्ह आएगा फिर से आपका। अब जब हम पढ़ें प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आता है माइनस, तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा बीच में से, आपका यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई सेवन, सॉरी प्लस का ही आएगा ना, प्लस का नहीं सॉरी माइनस का आएगा सेवन, सॉरी इसके लिए माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन भाई प्लस को माइनस से गुणा करना माइनस का आएगा ना, ये माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लो यहाँ पे एक बार आई वन बाहर जा रही है, तो देखो आई वन बाहर आ गई यहाँ पे, ठीक है, आई टू, आई टू भी कहा जा रही है बाहर जा रही है, आई टू बाहर आ जा रही है, आई फोर बाहर जा रही है, आई फाइव आपकी कह जा रही है, आई फाइव आपकी बाहर की तरफ जा रही है, और आई फोर है ना वो भी बाहर की तरफ जा रही है, आर से अंदर की तरफ जो आ रही है जंक्शन पे, एक तो आपकी आई थ्री आ रही है, और एक कौन सी जा रही है आई फाइव, तो ये हो जाएगी है ना। तो इनका मान क्या हो जाएगा जीरो। तब आप इनका क्या करें, इनको पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई थ्री प्लस आई फाइव बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई सेवन, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपकी समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ये चीज का ध्यान रखना होगा ना। तो आपकी एक समीकरण प्राप्त हो गई, तो इसी को करते पड़े, यानी कि जो आने वाले धारा और जाने वाले धाराओं का योग बराबर हो जाएगा। तो आपकी ये तो हो जाएगी आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये चीज आपकी होती है सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, यहीं से आता है आपका जो ये फॉर्मूला आता है ना, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो आता है ना, जो आपको यहीं से प्राप्त होता है। तो ये था ना, इसी पॉइंट में अपन एक क्या क्वेश्चन करेंगे, और यह सिद्धांत जो आपका यह नियम है ना, तो यह नियम आपका किसमें करता है, जो केसीएल होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का नियम, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना भाई। यह नियम है ना जो आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले वापस समझ लो, केसीएल का नियम होता है, जो आपको इसका केसीएल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणित शून्य के बराबर होता है, सिग्मा आई बराबर जीरो। इस नियम के अनुसार जो इस नियम को आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसके अपन ने क्या एक पॉइंट लिया है ना, इसके अंदर अपन ने के लिए प्रथम नियम है धारा नियम का, वो है धारा नियम है ना,
धारा नियम से, ठीक है ना। तो धारा नियम से अपन ने इसके अंदर क्या है, यानी कि संधि जंक्शन से आने वाले धारा और जाने धारा आने वाले धाराओं का, जैसे I1 I2 क्या आपकी संधि जंक्शन से आ रही है और ये पूरी बाहर की तरफ जा रही है, इनका मान रखने पर अपना सिग्मा I बराबर 0 आ रहा है, ये चीज प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपके अच्छे समझ में आएगा। अगला कौन पढ़ेंगे अपन इसी में, इसी में अपन एक इसी के अंदर अपन सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे मैस लो, ठीक है ना। तो मैस लो क्या होता है आपका, फर्स्ट लो आपके समझ में आ गया, मैस लो है, मैस लो को अपन बोलते हैं वोल्टेज का नियम बोलते हैं, ठीक है ना। इस नियम को केवीएल का नियम भी, केवीएल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इस नियम को केवीएल का नियम कहते हैं, तथा यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। जो आपका यह नियम है ना केसीएल का तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन जो केवीएल का है ना, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसी को केवीएल का नियम कहते हैं, इसी को वोल्टेज लॉ कहते हैं, इसी को मैस लॉ कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपका जो लेंज का नियम है ना, वो भी आपका केवीएल के, यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखेंगे इसकी अपन, परिभाषा के तौर पे इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, थोड़ा परिभाषा में पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में अलग अलग शाखाओं में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है आपका, शून्य होता है, ठीक है ना। बीजगणितीय योग क्या होता है आपका, शून्य होता है। तो इसमें हो जाएगा सिग्मा बी बराबर इक्वल टू जीरो, सिग्मा बी इक्वल टू बी बराबर जीरो, ये नियम होता है आपका, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इसमें अपन तीन रेजिस्टेंस बनाते हैं, यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तीन रेजिस्टेंस हो जाएंगे आपके बराबर से, ठीक है ना। ये तो आपका जैसे R1 हो गया, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा, और फिगर हो जाएगा वोल्टेज लो में इसके अंदर आपकी I1 धारा बहेगी, ठीक है ना, और इसके अंदर आपकी I2 धारा बहेगी, और इसके अंदर I3 धारा बहेगी। तो देखना इसके अंदर आपका क्या होएगा, I1 R1 I2 R2 plus I3 R3 equal to 0 आपका क्या होएगा, 0 प्राप्त होएगा। तो इसके अंदर जो आपका जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा का बराबर, यानी सिग्मा बराबर I into R भी होता है इसके अंदर, सिग्मा बराबर I into R equal to 0 भी होता है, तो ये फॉर्मूला भी होता है इसके अंदर। तो आपका इसके अंदर ये चीज प्राप्त होगी, इस चीज को अपन को सोल्व करने पर, ठीक है ना। तो इस नियम के अंदर अपन ने क्या चीज पढ़ी, दो चीज पढ़ी, एक तो आपका वोल्टेज लो और एक केसीएल लो। जो केसीएल लो है ना, जो तो आपका किस पे करता है, आवेश संरक्षण पे करता है, और जो केवीएल का नियम है वो आपका जो किस पे करता है,
कन्वर्शनल एनर्जी चार्ज पे, दोनों पे करते हैं, दोनों परिपथ होते हैं, किस पे करते हैं, बंद परिपथ पे करते हैं। तो हमको यानी जो किरचॉफ्स नाम वैज्ञानिक ने इसने दो नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे इतना ही पढ़ेंगे, और इससे अगले वाली क्लास में पढ़ें कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।